चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक हम, चल घर चले मेरे तो यार आज है अपना 30 डेज कॉन्कर चैलेंज का डे नंबर 3। एंड आज भी मैंने टोटल 4 मैचेस खेले, लेकिन 4 में से एक मैच में क्या सीन होता है, किसी सर्वर इशू की वजह से मेरे को मैच से बाहर फेंक दिया था। एंड बाकी 3 मैचेस में मैंने अराउंड 100 पॉइंट प्लस किए। एंड अभी मेरा करंट ईयर यहाँ पे चल रहा है डायमंड 4। एंड अगर आप भी ये सीज़न में कॉन्कर रैंक पुश कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डेली वीडियोज़ में मैं आपको आपके टीयर के अकॉर्डिंग पॉइंट्स का टारगेट देता हूँ, अगर आप उस टारगेट का 50% भी कंप्लीट करोगे तो मेरी गारंटी है आपका 100% कॉन्कर लग जाएगा। एंड आप सभी लोगों के दिमाग में एक चीज़ जरूर से चल रही होगी, कॉन्कर के लिए आपको कितने पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो भैया देखो, सीज़न जस्ट स्टार्ट हुआ एंड सीज़न के स्टार्टिंग में क्या सीन होता है, सिर्फ आपको 4200 पॉइंट्स मतलब एस लगाने पर ही कॉन्कर मिल जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे पीछे साइड स्मोक में एक मेरे को बंदा स्पॉट हुआ था, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से एक और बंदा फायर करता है। एंड अगर यहाँ पे मैं सोलो की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 1 वीक के अंदर अंदर अगर आप सोलो में एस लगा दोगे तो सिर्फ आपको एस लगाने पे कॉन्कर मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद फिर डेली के पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े थोड़े इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं ओपन वाले बंदे को देखने के लिए आता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा तो स्पॉट होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बीच में कंपाउंड वाली साइड से भी गन साउंड आया था, तो अभी मैं कंपाउंड्स पे आता हूँ। ये बंदा पहले मेरे को लगा था स्टेज पे बैठ रखा होगा, लेकिन फिर ये वाली रूम से इस बंदे का साउंड मेरे को आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं सामने ओपन वाले बंदे को देखने का ट्राई करता हूँ, बंदा मेरे को स्पॉट होता नहीं है, मेरे को लगा मे भी बंदा इस जगह से निकल गया, लेकिन तभी यहाँ पे राइट साइड में एक मेरे को बॉट स्पॉट होता है, लेकिन ये वाले बॉट को जो सामने साइड पर बंदा था वो भी फिनिश कर देता है। तो ये वाला बंदा अभी भी सामने साइड कहीं पर था, तो अब मैं सोचता हूँ यहाँ पर बग्गी लेके ये बंदे पर क्लोजिंग करते हैं। अब पहले यहाँ पे ये वाले बंदे पे मैं नेट वेट ट्राई करता हूँ, नेट से बंदा फिनिश होता है नेट, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जैसे जैसे ये बंदे को मैं बग्गी से उड़ा देता हूँ, लेकिन ये बंदे ने भी अपने को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। पहले यहाँ पे सेफ आके जल्दी से मैं ही लगा लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर वापस ये बंदे ग्रेट पर आके थोड़ी बहुत लूट मैं कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए जोन यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, तभी जस्ट मैं जोन वाली साइड को आ ही रहा था, तभी लेफ्ट साइड में एक मेरे को बग्गी दिखती है।
बगी वाले बंदे को तो यहाँ पे फिनिश कर दिया था, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से एक और बंदा अपने ऊपर शॉट्स लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही ऊपर साइड पे आता हूँ, ये बंदा नीचे साइड को भाग जाता है। अब यहाँ पे ओपन में तो ये बंदे पे मैं रश कर नहीं सकता था। एक बार वापस मैं नीचे साइड पे आके देखता हूँ तो ये वाला बंदा मेरे को ऊपर पत्थर के पास स्पॉट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे राइट साइड से एक और मेरे को गाड़ी का साउंड आता है। अब गाड़ी वाला बंदा तो ऊपर साइड को निकल गया था। फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ ये वाले बंदे पे नेट करने का ट्राई करते हैं। ये वाला बंदा यहाँ पे इजी नेट से फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए ये बंदे की बेटी से थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट मैं कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट कर रहा था, लेकिन ये जोन ये एरिया पे बन जाता है। ये वाला शायद अभी के लिए जोन के अंदर था, तो यहीं पे मैं अभी के लिए होल्ड करता हूँ। बगी वाले बंदे को तो यहाँ पे इजी गिरा दिया, लेकिन तभी मेरे को राइट साइड से एक और गाड़ी का साउंड आता है। गाड़ी वाले बंदे को भी यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट कर रहा था, लेकिन ये वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। तो अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं, बगी लेके डायरेक्ट मैं जोन के लिए निकलता हूँ। ये वाला शेयर यहाँ पे जोन के अंदर था, लेकिन अपने लेफ्ट साइड में एक और बंदा गाड़ी लेकर रुका था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अब यहाँ पे गाड़ी वाला बंदा नीचे वाले शेयर पे आके रुक जाता है। मैं सोचा था ये वाले बंदे पे नेट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उतने में ये बंदा अपने पे रश करता है। ये वाले बंदे को यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए बग्गी लेके मैं शेक पे आ जाता हूँ। थोड़ी बहुत मेरे को लूट चाहिए थी, तो अभी ये बंदे की पेटी पे स्मोक करके लूट भी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे मैं इसके बाद वाला जोन बनने का वेट कर रहा था, लेकिन इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर बन जाता है। लेकिन तभी तो यहाँ पे सामने साइड पे दो बंदों की फाइट होती है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट कर रहा था। जोन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन तभी अपने ऊपर साइड पे एक बंदा बग्गी लेके रुक गया था। अब यहाँ पे मेरे को डर ये था ये बंदा अपनी बग्गी को डैमेज या नेट वेट करने का ट्राई करेगा। तो एक बार मैं सोचता हूँ क्लोन बन के ये बंदे की लोकेशन देख के आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ऊपर साइड पे दो बंदों की फाइट हो जाती है। एक बंदा MG3 से दूसरे बंदे को फिनिश कर देता है। तभी यहाँ पे किल फीड नोटिस करना, राइट साइड से कोई और बंदा MG3 वाले बंदे को VSS से फिनिश कर देता है। अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 3 बंदे और बचे हैं, लेकिन अपने को जोन में निकलना है, तो यहाँ पे अपने आसपास में स्मोक करना स्टार्ट कर देता हूँ। सामने साइड पे एक बंदा मेरे पे एम लेके लेट रखा था, ये वाले बंदे को तो इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए बग्गी लेके मैं जोन के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे मैं सारे शॉट्स अपने मिस कर देता हूँ। सामने वाला बंदा भी अच्छा मार देता है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे #3 पे भी अपने को आई गेस 47 पॉइंट के आसपास का प्लस मिल गया था।
अभी चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे जोन के सेंटर में मैं आ गया था, इसके बाद वाला जोन बनने का अभी के लिए मैं वेट करता हूँ। इसके बाद वाला जोन भी लकीली इसी एरिया पे बन जाता है अपने लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड। अभी जोन के सेंटर में से डायरेक्ट मैं यहीं पे आता हूँ। अभी के लिए ये वाले कंपाउंड पे आके मैं रुक जाता हूँ। लकीली अभी के लिए अपने आसपास कोई भी और बंदा नहीं था। बगी वाले बंदे को मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ। ये बंदा सामने साइड कहीं पे आके रुक जाता है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था छत पे जाके ये बंदे को मारने का ट्राई करूँ, लेकिन तभी उसी साइड से एक और गाड़ी का साउंड आता है। एंड गाड़ी वाला बंदा लकीली एकदम मुंह के आगे अपने आके रुक जाता है। ये वाले बंदे को यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे कंपाउंड वाले बंदे में मैं नेट वेट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तभी अपने पीछे साइड से भी कोई एक और गाड़ी का साउंड आता है। ये वाला बंदा यहाँ पे शॉटगन चला रहा था, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे जो सामने वाले कंपाउंड में बंदा था, ये बंदा मेरी साइड को नेट वेट करना स्टार्ट कर देता है। अब पहले मेरे को लगा ये बंदे ने क्लोज इन कर दिया, लेकिन ये बंदा जस्ट क्लोन बन के अपने क्लोज आया था। अब ये बंदे का साउंड तो मेरे को ग्राउंड फ्लोर से आ ही रहा था, तो यहाँ पे वेब शूटर का यूज़ करके मैं थोड़ा आगे जाने का ट्राई करता हूँ। सामने वाले बंदे ने मेरे को 4 डैमेज दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे बंदे को फिनिश कर दिया। फिलहाल यहाँ पे जल्दी से पहले मैं ही लगा लेता हूँ। उतने में सामने साइड से एक और गाड़ी का साउंड आता है। गाड़ी वाला बंदा आई गेस यहाँ पे पहले से काफ़ी डैमेज था, इजी बंदा फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, लेकिन ये वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे सामने साइड पे बगी के पीछे एक मेरे को बंदा स्पॉट होता है। ये वाले बंदे पे मैं शॉट्स लेने का भी ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाले बंदे को भी ऊपर साइड पे कोई और बंदा फिनिश कर देता है। फिलहाल के लिए जोन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, अपने को अभी जोन के अंदर निकलना है। एंड अभी भी अपने को छोड़ के 4 बंदे और लाइव है। अब यहाँ पे कैसे होता है, नीचे साइड पे जो गाड़ी वाला बंदा रुका था उसको ये वाला बंदा फिनिश करते हैं। ये वाले बंदे को मैं बग्गी से उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा था, जो कि नीचे साइड पे मेरे को स्पॉट हो जाता है, लेकिन ये वाला बंदा यहाँ पे जंप कर रहा था। हेलो 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 चाक भाई, हेलो।
हेलो भैया, आपसे मिलने के लिए इतना स्ट्रगल किया यार। अरे लास्ट सीजन में भी एक बार मैं आपसे मिलने का ट्राई किया था, बट आपने लास्ट में मार दिया। मैं टैप टैप दिया था, आपने समझ नहीं पाया होगा कि वहां पे मैं जंप कर रहा हूँ। हाँ, हो जाता है। वैसे मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है ब्लास्टर करके, तो मेरे लिए कंटेंट हो गया। BLASTER, ये वाली फाइट, ये स्वॉर्ड से फाइट करते हैं, स्वॉर्ड से। ठीक है। अरे यार ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे सामने वाला बंदा भी एक यूट्यूबर था, तो लास्ट में ये भाई के साथ में तलवार वाली फाइट करते हैं, जिसमें मैं चिकन निकाल लेता हूँ। ये वाले गेम की बात करूँ तो 43 पॉइंट का अपने को प्लस मिल गया था। एंड अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ क्राउन 3 पे। कल का मेरा टारगेट रहने वाला है एस लगाने का। बाकी आप में से भी जो लोग अभी क्राउन टीयर पे, 200 पॉइंट डायमंड वालों के लिए 250, एंड प्लेटिनम वालों के लिए 300 पॉइंट का कल का आपका टारगेट रहेगा। तो अगर गेम प्लेज़ आपको अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड बेल आइकन को जोर से ऑल पे सेट कर लेना, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अगर बाकी इसी कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे को DM कर सकते हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे यार नहीं कट जानी जो लगा ठग ना।